बढ़ेंगे आगे। पूर्व प्रतिपक्ष नेता रामेश्वर डूडी के स्वास्थ्य से जुड़ी एक बड़ी खबर है, बड़ी अपडेट आपको देंगे। डूडी की तबीयत में सकारात्मक सुधार देखा गया है। पिछले 3 दिनों से ऑक्सीजन लेवल में बेहतर सुधार देखने को मिला है। कृत्रिम ऑक्सीजन की अब जरूरत नहीं हो रही है। सभी ऑर्गन भी कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से कार्य। आजकल में ICU से नॉर्मल वार्ड में उनको शिफ्ट किया जाएगा। चिकित्सकों को उम्मीद है कि अगले 2-3 दिन में उनको होश आ सकता है। ब्रेन हेमरेज की सर्जरी के बाद में मेदांता गुड़गांव में उनको शिफ्ट किया गया था। तो एक अच्छी खबर तमाम समर्थकों के लिए, डूडी के रामेश्वर डूडी की हालत में बेहतर तरीके से सुधार देखने को मिला है। अब उनको कृत्रिम ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। उनको हो सकता है कि 2 से 3 दिन में होश भी आ जाए, ऐसा डॉक्टर्स कह रहे हैं। ब्रेन हेमरेज की सर्जरी के बाद में पहले SMS में उनका ऑपरेशन हुआ, उसके बाद में गुरुग्राम उनको लेकर आया गया, जहाँ मेदांता में उनका इलाज जारी है। पूर्व प्रतिपक्ष नेता रामेश्वर डूडी के स्वास्थ्य से जुड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। सकारात्मक सुधार दिखाई दे रहा है, एक बड़ी राहत की खबर। पिछले 3 दिनों से ऑक्सीजन लेवल में बेहतर सुधार देखा गया है। बताया ये जा रहा जो सभी ऑर्गन्स हैं डूडी के वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। आज या कल में उनको ICU से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। चिकित्सकों को यह भी उम्मीद है कि अगले 2 से 3 दिनों में उनको होश भी आ सकता है। ब्रेन हेमरेज की सर्जरी के बाद में मेदांता गुरुग्राम के अस्पताल में उनको एडमिट कराया गया था, मेदांता में, और जहां से तब से उनका इलाज यहां पर वरिष्ठ डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा है। आजकल में नॉर्मल वार्ड में उनको शिफ्ट भी किया जा सकता है। ऑक्सीजन लेवल में बेहतर सुधार हुआ है।